एडी करंट्स, देखो एडी करंट्स हैं, आप कहोगे ये नए करंट आ गए, कितने करंट पढ़ाओगे? वो पहले बैटरी का करंट था, फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट बोलते हैं, फिर अब वो कहते हैं जी इंड्यूस करंट पैदा होता है, अब एडी करंट, एडी करंट कुछ नहीं है, एडी करंट इंड्यूस करंट से। तो आप कहोगे इसका नाम एडी क्यों है, मतलब कोई घर का नाम है? नहीं, घर का नाम नहीं है, इसका नाम एडी करंट ही है। अब फिर ये चेंज कैसे हुआ नाम अगर इंड्यूस करंट है? तो हमने जितने भी एग्जाम्पल अभी तक लिए जिसमें इंड्यूस करंट पैदा हुआ, उसमें आपने एक लूप लिया, सर्कुलर लूप लिया, कभी आप मैग्नेट उसके पास लेके आए, कभी दूर लेके गए, फिर कभी आपने उसमें बी बढ़ाया कम किया, तो लूप में इंड्यूस करंट पैदा हो गया। लेकिन इमेजिन करो कि आपके पास एक लूप नहीं है, आपके पास एक शीट है, ये एक शीट है, मेटल की शीट है, और तुम इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो। अगर ये लूप होता, अगर ये सिंपल एक लूप होता, तो करंट इसकी बाउंड्री में पैदा हो जाता, बात ही खत्म थी। शीट में कहाँ पैदा होगा? सर्कमफ्रेंस पे। अगर सर्कमफ्रेंस पे, तो अंदर फिर क्या करेगा? अंदर शीट है, अंदर भी तो मेटल है, तो शीट के अंदर करंट ऐसे पैदा होते हैं। देखो मान लो इंड्यूस करंट ऐसे पैदा हुआ, इसके अंदर भी इंड्यूस करंट ऐसे पैदा हुआ, इसके अंदर भी यहां ऐसे पैदा हुआ, ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स की फॉर्म में करंट पैदा होगा। ऐसे इन बहुत सारे करंट्स को नाम दिया जाता है एडी करंट्स। तो एडी करंट्स नॉर्मली कहाँ पैदा होते हैं? शीट में, या वॉल्यूम वाइज, या एरिया वाइज, ऐसे लेंथ वाइज में तो इंड्यूस करंट ही वर्ड यूज किया जाता है। और ये क्यों पैदा होते हैं? जब आप इस शीट का फ्लक्स क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, अगर आप फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये करंट्स पैदा हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत सारे इंड्यूस करंट्स को एडी करंट्स बोल देते हैं, सिंगल इंड्यूस करंट को इंड्यूस करंट बोल देते हैं। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है? अब वो कह रहे हैं कि दीज आर दी करंट इंड्यूस इन दी बॉडी ऑफ अ कंडक्टर, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है किसी कंडक्टर का, तो इसमें करंट होता क्या है? जो भी ईएमएफ जनरेटेड है, माइनस डी फाई बाई डी टी अपॉन रेजिस्टेंस आर। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स है। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स में एक प्रॉपर्टी समझो एडी करंट्स की है क्या। देखो ये शीट है एक, अगर आप इसका फ्लक्स चेंज करेंगे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मान लो इस तरफ है, और आप ये पूरी शीट है, लूप नहीं है, आप ऐसा करेंगे इसका फ्लक्स कम 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 होता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो गया, तो इस पूरी शीट के अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएंगे। आप कहोगे फिर क्या हुआ, हो जाए जनरेट? नहीं ना, हुआ, अब एक नई बात स्टार्ट हो गई। जैसे इस लूप में करंट पैदा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब ये लूप कहता है कि याद करो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, करंट कैरिंग लूप इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल जनरेट अ टॉर्क। तो ये टॉर्क जनरेट करने बैठ जाएगा। ठीक, अब कैसे? ये देखो, ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तुमने इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कम करना शुरू कर दिया, तो अगर ये ऐसे घूमती है, इसका फ्लक्स कम हो रहा है। शीट की प्रॉब्लम क्या है? शीट कहती है अच्छा ठीक है, तुम मेरा कंडक्टिंग है ना, तुम मेरा फ्लक्स कम करोगे? ऐसे कैसे करोगे? मैं होने नहीं दूंगी अपना फ्लक्स कम। तो किसने मुझे, तू क्या कर लेगी? कहते मैं करंट पैदा कर लूंगी। तो करंट पैदा करेगी तो उससे क्या होगा? कहते करंट पैदा करूंगी तो मैं भी मैग्नेटिक फील्ड में लाई करती हूं, तो मेरे ऊपर टॉर्क लगेगा। तुम अगर मुझे जबरदस्ती ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो, मैं ऐसा करंट पैदा करूंगी, मैं ऐसे घूमूंगी नहीं, मैं उल्टा ऐसे घूमूंगी। हाँ, बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर तुम क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहे हो बाहर से घुमाने के लिए, तो कहती है मैं ऐसा करंट पैदा करूंगी कि मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं। तो मैंने कहा ठीक है, उल्टा तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं, तेरे को घुमाते ही एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाया, तो कह रही अच्छा तुम मेरा फ्लक्स बढ़ा रहे हो, तो बढ़ा कैसे सकते हो? मैं अपने अंदर ऐसा करंट पैदा कर लूंगी ताकि मेरे अंदर भी टॉर्क जनरेट होगा, और अगर तुम मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो मैं क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करूंगी। अब लेंस लो है ना, तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एडी करंट पैदा होके इसे एंटी क्लॉकवाइज करने की कोशिश करेंगे, और तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एडी करंट पैदा होके इसे क्लॉकवाइज घुमाने, ताकि बस किसी भी हालत में फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए, बात खत्म हो गई। ठीक है यहां तक? ये प्रॉपर्टी क्लियर है? अब एक बड़ी समस्या थी जब गैल्वेनोमीटर बना। गैल्वेनोमीटर याद है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन थी? एक वायर के साथ इसको यहां लटका दिया था कॉइल को, और अगर मैंने करंट मेजर करना है तो मैं इसमें करंट पास करता था, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, तो करंट पास होके इसमें टॉर्क जनरेट होता था, और जो टॉर्क जनरेट हुआ वहां से मैं सुई घूमती थी, मैं करंट मेजर कर लेता था, बात खत्म थी। यही प्रिंसिपल था इसका।
हम बड़े खुश हुए, हमने कहा ठीक है यार इसमें करंट पास, देखो करंट मेजर हो गया, चैप्टर भी करके हम आराम से घर आ गए। अब जब तुमने करंट ऑफ किया कि मेरा काम पूरा हो गया मैं घर चलता हूँ, ये तो हवा में ऐसी लटकी हुई थी ना, अब ये कैसे आने की कोशिश करेगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे? जैसे ही इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करेगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें इसका फ्लक्स चेंज हो गया। जब फ्लक्स चेंज हुआ, हमने तो पीछे से करंट बंद कर दिया, इसने करंट पैदा कर लिया और अननेसेसरी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो गई। लोग परेशान हो गए, ये क्या चक्कर है, स्विच तो ऑफ है, करंट कहाँ से आ गया? क्योंकि ये घूम गई ना, तुम्हारे हाथ से गलती से भी अगर कॉइल घूम गई तो डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एडी करंट डिफ्लेक्शन शो करने स्टार्ट कर देंगे। अब ये बड़ी समस्या है, मैं क्या चाहता हूँ, देखो क्या हो गया, मैं चाहता हूँ करंट मेजर करना, लेकिन यहाँ पर इसके घूमने की वजह से नए नए करंट पैदा होने स्टार्ट हो गए, ये एक प्रॉब्लम हो गई और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो मैंने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल को एक फिक्स फ्रेम के ऊपर लपेट दिया, एक शीट के ऊपर लपेट दिया, सॉफ्ट आयरन कोर की शीट है उसके ऊपर लपेट दिया, जानबूझ के सॉफ्ट आयरन कोर लिया ताकि एडी करंट उसमें जनरेट हो, मैं चाहता हूँ जनरेट हो। क्यों हो, ये देखो, जैसी एक शीट के ऊपर इसको लपेट दिया, मेटल की शीट है, और जैसी मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की, और मैं नहीं चाहता एंटी क्लॉकवाइज आए, तो इसमें जैसी इसको फ्री छोड़ा और ये एंटी क्लॉकवाइज आने की कोशिश करेगी, इसमें एडी करंट जनरेट हो गए, जो कहते हैं मैं इनको एंटी क्लॉकवाइज आने नहीं दूंगा। अब जैसी तुम इसको इस तरीके से घुमाते हो, एडी करंट मान लो इसे क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो एडी करंट क्लॉकवाइज नहीं होने दे रहे, तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो एडी करंट इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं होने, तो मतलब इसकी मोशन बिल्कुल डैम्प हो गई, डैम्प का मतलब खत्म हो गई, क्योंकि अगर ये कॉइल मूव करने की कोशिश करता है, एडी करंट फटाफट उसी टाइम अपने आप को डेवलप करके इसकी मोशन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर ये चाहता है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, तो एडी करंट एंटी क्लॉकवाइज जाने नहीं दे रहे, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये क्लॉकवाइज जाने की कोशिश तुम घुमाने की कोशिश करोगे, तो एडी करंट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसकी मोशन खत्म कर देंगे। और अच्छी बात है, हम यही चाहते थे कि हमारी कॉइल हवा में झूलती रहेगी, अननेसेसरी करंट पैदा करती रहेगी, तो वो ना पैदा हो, हमने इसको शीट के ऊपर लपेट दिया, अब जहाँ रुकी है वहीं रुकी रहेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, क्योंकि एडी करंट मोशन को अपोज करते हैं, क्योंकि वो इसलिए मोशन को अपोज करते हैं क्योंकि मोशन होने से उनका फ्लक्स चेंज होता है, और वो नहीं करने देंगे फ्लक्स चेंज, तो अपने अंदर करंट को डेवलप करके आपकी मोशन को खत्म कर देंगे। ऐसे गैल्वेनोमीटर को जिसकी मोशन खत्म कर दी जाती है एक फ्रेम पे डाल के एक कॉइल को, इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। एक टेस्ट में क्वेश्चन आ गया था अजेशन रीजनिंग का लास्ट टेस्ट में, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, जिसका ग्रेस मार्क्स भी दिया था कि सर ये गैल्वेनोमीटर की टेस्ट है, उसमें ये कौन सा गैल्वेनोमीटर है, ये आपने कराया नहीं, वो ये गैल्वेनोमीटर है, तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर है। और इस प्रोसेस जिससे कि आप मोशन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ताकि इसकी गैल्वेनोमीटर की मोशन बिल्कुल खत्म हो जाए, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं खत्म करने के, इसकी मोशन खत्म करना बाय यूजिंग एडी करंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एडी करंट की समस्या भी है, क्या समस्या है, इसका फायदा भी है इसका नुकसान भी है। जहां तो मोशन को खत्म करना है वहां तो एडी करंट हेल्प कर रहे हैं, वो खत्म कर देते हैं, पर मैं अब चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल घूमे, भाई मैं तो चाहता हूं ताकि करंट मेजर करूं, अब जैसे ही मैं इसे घुमा रहा हूं एडी करंट साथ में डेवलप हो रहे हैं, जो मोशन को क्या कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं। तो अगर इसको 30 डिग्री घूमना था 30 डिग्री नहीं घूम पाएगा, एडी करंट 25 तक ही ले आएगा, क्योंकि कुछ तो मोशन को खत्म करेगा। तो यानी कि आपका गैल्वेनोमीटर एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में एडी करंट उसकी सुई को आगे जाने ही नहीं देंगे। अब ये भी समस्या है, एक तरफ मैं चाहता हूं कि मोशन खत्म हो तो मोशन तो खत्म कर दी, अब मैं चाहता हूं कि मोशन हो, मोशन को भी खत्म करे जा रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडी करंट को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। एडी करंट को कम खत्म करने का तरीका, एक और तरीका है, तुम शीट की कटिंग कर दो, बीच में लटकती हुई शीट की कटिंग कर दो, ताकि करंट को ज्यादा लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़े। देखो ज्यादा लंबा रास्ता है, अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो करंट पैदा होगा वो EMF डिवाइडेड बाय क्या होता है रेजिस्टेंस। ज्यादा लंबे रास्ते से लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो करंट कम हो जाता है। तो करंट की वैल्यू कम की जा सकती है जहां आप चाहो उसकी शेप को चेंज करके। फिर अगली एप्लीकेशन है, आपने एक सोलेनोइड लिया, सोलेनोइड में आपने मान लो करंट को बढ़ाया, सॉफ्ट आयरन ओर के ऊपर एक सोलेनोइड लगा हुआ है,
करंट कांस्टेंट नहीं है, बढ़ाया आपने, इंक्रीज किया, तो करंट बढ़ने से इसकी बी की वैल्यू एक्सिस के अलोंग भी क्या हो गई, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। अब इसके ऊपर एक मेटल का ढक्कन पड़ा हुआ था, डिस्क पड़ी हुई थी ऐसी, अब उसके अंदर बी घुस गया। अब मेटल कहता है कि अच्छा ऐसे कैसे मैंने बी बढ़ा दिया, अब मैं अपने अंदर क्या करूंगा, ऐसा करंट पैदा करूंगा ताकि मेरा बी घट जाए। तो सोलेनोइड ने मान लो यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ डेवलप किया, तो मेटल के नीचे भी सेम पोल डेवलप हो गया। वो क्यों, लेंज लॉ याद है, नॉर्थ है तो नॉर्थ डेवलप होता है ताकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर सके, क्योंकि आप बी उसका बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो नॉर्थ नॉर्थ होते ही कॉयल ये ढक्कन हवा में उछल गया। तो क्वेश्चन आता है ये क्यों उछला हवा में, बिकॉज ऑफ एडी करंट, ऑब्जेक्टिव मार्क करना है, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा लिखना, बस ऑब्जेक्टिव आएगा कि ऐसा ढक्कन क्यों उछलता है, क्योंकि क्या जनरेट होगी इसमें, एडी करंट जनरेट होगी जो मोशन को अपोज करते हैं, और क्योंकि इस ढक्कन का मेटल का जो मेटल है उसका बी बढ़ा, ये नहीं चाहता बी बढ़े, तो ये दूर भाग गया अपने बी को कम करने के लिए। क्लियर है? उसी तरीके से इंडक्शन फर्नेस, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता नहीं है, बता देता हूँ, मेटल का ओर है, केमिस्ट्री में सिखाया जाता है इसको, कोयले की फर्नेस के अंदर जला दो, मेटल पिघल के बाहर आ जाएगा, बाकी इम्प्योरिटीज बाहर हो जाएंगी। वो कहते जलाने की जरूरत नहीं है, कोयला बहुत महंगा है, मत जलाओ, एक बिजली की बनी हुई फर्नेस ले लो। ये बिजली की फर्नेस क्या होती है, कुछ ना होता उसमें, उसके अंदर, उस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से कम या ज़्यादा किया जाता है, 0 टेस्ला से 1000 टेस्ला, 1000 टेस्ला से एकदम 0 टेस्ला। अब उससे क्या होगा, अब मेटल ओर के अंदर जितने मेटल हैं उसमें एडी करंट जनरेट हो जाएंगे, बहुत हाई वैल्यू जनरेट होगी, इतनी हाई वैल्यू, इतनी गर्मी जनरेट होगी I²RT, वो पिघल जाएंगे और पिघल के बाहर आ जाएगा। तो गर्मी जनरेट की विद हेल्प ऑफ प्रोड्यूसिंग एडी करंट। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने भी बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा चेंज करना है ताकि बहुत सारे एडी करंट मेटल के अंदर जनरेट हो जाएं और हीट जनरेट करें ताकि पिघल के बाहर आ जाए। इंडक्शन फर्नेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन या मेट्रो चलती है वो कैसे रुकती है, अब कहोगे मुझे तो पता नहीं कैसे रुकती है, बिजली से रुकती होगी, उससे चलती है, उससे रुकती है, एडी करंट से। अंदर जब वो ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, अंदर एक मेटल का बना हुआ ड्रम साथ साथ घूम रहा है एंड सेम स्पीड पे घूम रहा है। अगर आपको ट्रेन को रोकना है, आप उस मेटल के ड्रम के क्रॉस बी को चेंज कर दो मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें एडी करंट जनरेट हो जाएंगे जो उसकी क्लॉकवाइज मोशन को अपोज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उससे कि उसको रोका जा सकता है, क्योंकि एडी करंट की प्रॉपर्टी है कि मोशन को, घूमती मोशन को अपोज करती है, तो हम ट्रेन को भी रोक सकते हैं बहुत हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये भी क्वेश्चन नहीं आता, नॉलेज के लिए। डिसएडवांटेजेस, जहां हम चलाना चाहते हैं वहां पर नुकसान है, आप मोटर चलाना चाहते हो नुकसान है, मोटर चलेगी नहीं क्योंकि एडी करंट उसको चलाने से रोकेंगे। लॉस ऑफ हीट है, ये बहुत हीट जनरेट कर देते हैं और लाइफ रिड्यूस करते हैं किसी भी अप्लायंस की। पेपर में आता है टू मिनिमाइज एडी करंट, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करते हैं जिससे कि एडी करंट कम हो जाए। तो ट्रांसफार्मर को लेके क्वेश्चन आता है, पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या चीज़। ट्रांसफार्मर का टॉपिक अभी आना है, नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टार्ट हो जाए, पहले पॉइंट को समझ लें, हमारे घर में बिजली आ कैसे रही है। डैम से बिजली बनी, डैम से जो बिजली बनी वो एक कॉयल में घूमी, डैम से लेके इस कॉयल में घूमी, इस कॉयल के सामने मैंने एक और कॉयल रखी, बिल्कुल पास में एक और कॉयल रख दी। आपको कि उससे क्या हुआ, जोड़ा तो नहीं ना, नहीं जोड़ा नहीं, जब इसमें करंट चेंज हुआ, डैम से जो करंट है वो अल्टरनेटिंग है, चेंज हो रहा है, जैसी चेंज हुआ पड़ोस में कॉइल पड़ी हुई थी, इसने इसका भी यूज कर लिया, पास है ना, लाइंस इसमें भी जाएंगी, पड़ोस की कॉइल आराम से लेटी हुई थी, उसका फ्लक्स चेंज हो गया अपने आप ही, क्योंकि एक पहली कॉइल का हुआ उसे पड़ोस का भी कर दिया। अब ये कहते हैं मेरा क्यों किया, मेरा फ्लक्स चेंज करोगे तो मैं अपने अंदर करंट पैदा कर लूंगी, तो ये बैठी बैठी करंट पैदा करके बैठ जाएगी, ऐसी लेटी हुई थी करंट पैदा हो गया, क्यों जी, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हुआ, इसने इसका किया और इसमें करंट पैदा हो गया। अब इस लूप में भी करंट घूमना स्टार्ट हो गया और फिर आगे किसी ने और दिमाग लगाया, एक और कॉइल रख दी, क्योंकि जब इसका करंट गया इसने इसका बी चेंज कर दिया। अब कहते मेरा कैसे बी चेंज कर दिया, मैं भी करंट पैदा करूंगी, इसकी पड़ोस की कॉइल में करंट पैदा हो गया। डैम में जो करंट पैदा हुआ पहला, उसको हमारे घरों में ऐसा लाया गया, फिर अगले घरों में ऐसा लाया गया, आते आते ऐसे कॉइल रख रख के
देखो यहाँ तक बिजली आ रही है, पूरी दुनिया में बिजली ऐसी चलती है, तो ये नहीं है कि दो कुंडी सी डाली, कनेक्शन डाला डैम में से और सीधा करंट ले लिया बैटरी की तरह, ऐसा नहीं है। करंट अपने आप ही पैदा होता रहता है, और ये जो मशीन है जो इसको सपोर्ट करती है उसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो ये गली गली में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, आपने देखे हर गली में दो दो ट्रांसफार्मर ए टू हर जगह लगे हुए हैं दुनिया में। तो ट्रांसफार्मर यही कर रहे हैं, आपकी ये प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल, यहाँ से अपने आप इंडक्शन होती है और पैदा हो जाती है बिजली, फिर अगला ट्रांसफार्मर, फिर अगला ट्रांसफार्मर, फिर अगला, पूरी दुनिया में ऐसी चलती जाती है। वो ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे आप कि करंट की डायरेक्शन कैसे करते हैं, वो मैं बताऊंगा कि कैसे पैदा होती है। पर पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब सोचो अगर यहाँ का करंट पहले क्लॉकवाइज है फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा डैम का करंट, तो हमारे घरों में तो ये हो रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर इस कॉइल में भी यही हो रहा है क्लॉकवाइज एंटी, तो यही चलता रहता है पूरे घरों में। अब पॉइंट वो नहीं है ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर तो बहुत लंबी स्टोरी है, अभी पूरा आधा घंटा लगेगा उसके ऊपर। पॉइंट ये है कि ट्रांसफार्मर लोहे का बना हुआ है। अब लोहे की समस्या समझो, लोहे की ये समस्या है ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसमें करंट चेंज हो रहे हैं, चाहे प्राइमरी कॉइल में चाहे सेकेंडरी कॉइल में, दोनों कॉइल में करंट चेंज हो रहे हैं। अब जो करंट चेंज हो रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इस लोहे के अंदर एडी करंट जनरेट हो रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर का बड़ा लोहा है उसके अंदर ही अंदर एडी 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 करंट है, बहुत करंट जनरेट हो जाते हैं अपने आप ही। मतलब जब ये पड़ोस की कॉइल में करंट जनरेट कर सकता है तो इसके लोहे में भी तो करेगा ही ना, तो इसके लोहे में भी करंट अपने आप पैदा हो जाता है। अब आप कहोगे फिर हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये फर्क पड़ रहा है गर्मियों के अंदर सोचो एक तो टेम्परेचर वैसे ही 45 डिग्री सेल्सियस है, ट्रांसफार्मर की उड़ने की पहली प्रोबेबिलिटी है बेचारा वैसे ही गर्म हो गया, फिर दिन रात कम से कम 24 से 23 घंटे चलता है, 1 घंटा बिजली जाती है मान लो, I2RT से वैसे ही बहुत अमाउंट ऑफ हीट है। फिर पिछला चैप्टर क्या था, हिस्टैरिसिस, कभी करंट घूम रहा है तो वो उसके जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट, तो उससे एक लॉस है, हीट लॉस वहाँ से भी आता है, और चौथा हीट लॉस यहाँ से भी आ गया। तो ट्रांसफार्मर तो शुक्र है बचे हुए हैं गर्मियों में, इतने इतनी गर्मी जनरेट हो जाती है तो उड़ने का पूरी प्रॉबिलिटी गर्मियों में है ही है उसकी। तो समझ में आ रहा है कितनी कितनी प्रॉब्लम है इसकी। तो ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं बड़ा लोहे ट्रांसफार्मर का, इसको ना शीट्स में काट देते हैं ऐसे, इसके अंदर शीट्स हैं ऐसे, और एक दूसरे से शीट को लैमिनेट कर देते हैं ताकि एक दूसरे का करंट इसमें मिक्स ना हो। देखो एडी करंट को पैदा होने से को रोका नहीं जा सकता, जहां बी चेंज होगा ये तो अपने आप पैदा होंगे ही होंगे। तो हाँ रिड्यूस कर सकते हैं, इस शीट में छोटा करंट है, इसमें छोटा करंट है, जबकि यहां पर बहुत बड़ा करंट था, बहुत बड़ा करंट मिलके बहुत हाई करंट बहुत हाई हीट जनरेट करता था, अब ये मिल नहीं पाए, छोटे छोटे करंट अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बहुत हीट जनरेट नहीं हो पाएगी। तो ट्रांसफार्मर के जो कोर्स हैं, तभी बोला जाता है कि मेटल कोर टू बी यूज इन अप्लायंस लाइक ट्रांसफार्मर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स में काट दिया जाता है, ईच शीट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को के टच नहीं करते, सच अ कोर इज कॉल्ड लैमिनेटेड कोर। तो ऐसे कोर को क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड कोर बन गया, विच कन्फाइंस एडी करंट टू इंडिविजुअल शीट। तो छोटे छोटे एडी करंट अलग अलग शीट्स में रहते हैं और मिल नहीं पाते, और बहुत हद तक एडी करंट की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं कर सकते कम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना लैमिनेटेड कोर्स के ऊपर।